आप सभी के पास में ऑलरेडी हमारा जो एसओपी है, यू मस्ट हैव गॉट द एसओपी फ्रॉम स्टेट डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी। एंड बेस्ड ऑन दैट डिब्रूगढ़ डिस्ट्रिक्ट डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी ने जो एसओपी निकाला है 12 तारीख कल के डेट में, उसका कॉपी ऑलरेडी आपके पास होगा। यू मस्ट हैव ऑल गॉन थ्रू इट। मैं मेन मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट उसमें से बता देता हूँ और उसमें हमारा क्या क्या कहना है। स्पेशली जो सारे शॉप्स एंड एस्टेब्लिशमेंट्स हैं वो सारे 1 बजे बंद हो जाएंगे विदाउट एक्सेप्शन। जस्ट इसेंशियल जो फार्मेसी है या इसेंशियल जो कमोडिटीज़ है उसके लिए जो ओपन रहेंगे, जो आपको पता है पहले जो 6 बजे तक का, पहले 2 बजे बंद करके 6 बजे हम कर्फ्यू लगा देते थे, नाइट कर्फ्यू, वही प्रीपोन हो गया है। 1 बजे शॉप्स बंद कर कर 2 बजे से पूरी तरीके से मूवमेंट जो होगा वो रिस्ट्रिक्टेड होगा। 1 बजे हमने बंद करना है। उसमें हमें बहुत बार दिखता है कि शॉपकीपर्स वेट कि जब तक पुलिस ना आए, कोई बताए नहीं, तब तक खाली रखेंगे, चालू रखेंगे, और उसके बाद में जब हम जाते हैं बोलते हैं तब थोड़ी देर के बाद में धीरे धीरे बंद करवाते हैं। नाउ ऑलरेडी सबको पता है एसओपी क्या है, हमने बहुत बार बता चुके हैं। फ्रॉम टुडे ऑनवर्ड्स अगर प्रिस्क्राइब टाइम लिमिट से ज़्यादा अगर किसी का शॉप ओपन रहता है, वो हमें दिखता है, वी विल नॉट वेस्ट आवर टाइम, वी सिंपली टेक केस अगेंस्ट देम। और डीसी सर को हम डीसी ऑफिस में रिक्वेस्ट करेंगे कि उसका लाइसेंस कैंसिल कर दिया जाए। देर विल बी अ वेरी स्ट्रिक्ट एक्शन, देर विल नॉट बी एनी एक्सेप्शन। आपको पता है कि कौन से डिलीवरी, फॉर एग्जाम्पल रेस्टोरेंट्स वगैरह जो है वो 1 बजे के बाद में किसी की कस्टमर को अंदर नहीं लेना है, भले वो होम डिलीवरी 8 बजे तक चालू रख सके, बट दैट डजेंट मीन कि उन्होंने होटल अपना खुला रखना है लोगों को बैठने के लिए, नहीं, दैट इज़ नॉट अलाउड। जो इसेंशियल सर्विसेज है उनके लिए हमारा कहना यही रहेगा कि आप काइंडली आपका आईडी कार्ड, फॉर एग्जांपल आप हॉस्पिटल में काम करें, इवन इफ़ यू आर वर्किंग इन मैनेजमेंट, यू शुड कैरी योर आई कार्ड विथ यू। वी आर गोइंग टू स्टॉप एवरी व्हीकल आफ्टर 2 PM, और उसके बाद में आपके पास में अगर आई कार्ड होगा यू विल बी अलाउड टू गो। इफ़ यू डोंट हैव एनी आई कार्ड और एनी डॉक्यूमेंटेशन प्रूविंग यू आर सर्विंग इन इसेंशियल सर्विसेज, देन देर विल बी अ स्ट्रिक्ट लीगल एक्शन, देर विल नॉट बी एनी एक्सेप्शन। आपने आपका आई कार्ड कैरी करना है, एनी डॉक्यूमेंटेशन, ऑथराइजेशन, फॉर एग्जांपल आप ऑक्सीजन सिलेंडर का प्लांट रन कर रहे हो, आपको आपके पर्सनल गाड़ी से ऑक्सीजन ले जाना है, इट्स अ वेरी गुड थिंग, बट यू शुड कैरी अ डॉक्यूमेंट कि आप इस प्लांट में काम कर रहे हो, देर शुड बी सम और अदर डॉक्यूमेंट। दीज न्यू इंस्ट्रक्शंस आर एप्लीकेबल इन अर्बन एरियाज एंड एडजेसेंट एरियाज विद इन 5 किलोमीटर रेडियस फ्रॉम द पेरीफेरी ऑफ म्यूनिसिपल बोर्ड और रेवेन्यू टाउन्स। यह हमें पता होना चाहिए, ये जो हमारे क्लस्टर्स है टाउन म्यूनिसिपल बोर्ड और 5 किलोमीटर का रेडियस, ये क्लस्टर के बाहर हमारी जो पहले की एसओपी है दैट विल बी इन प्लेस। इट्स नॉट दैट कि उसके बाहर में रूल्स रेगुलेशन नहीं है, पहले के जो रूल्स रेगुलेशन है वो वहाँ पे एप्लीकेबल रहेंगे, ये होगी पहली बात। उसके बाद में कोई भी रिलीजियस, सारे रिलीजियस प्लेसेस क्लोज रहेंगे विदाउट एक्सेप्शन।